अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो बेसिकली है कि हाउ टू एस्टीमेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस थ्रू शिलिंग इफ्यूजन मीटर। तो ये बेसिकली हमारे पास अपरेटस है, इसका नाम है शिलिंग इफ्यूजन मीटर, और इस इक्विपमेंट के ज़रिए आप मालूम करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशो है आपका डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर, यानी कि हम मालूम करते हैं कि ये गैस एयर के मुकाबले में कितनी हैवी है या कितनी लाइट है। और थ्योरी में हम देख चुके हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का एक तरीका है जो आपने कंपोजिशन के जरिए पढ़ा, कि कंपोजिशन आपको पता होती है तो यू कैन ईजली कैलकुलेट द डेंसिटी, एंड वंस यू नो द डेंसिटी यू कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अगर कोई गैस जो है एयर से लाइट होगी तो उसका नंबर 0.6, 0.7, 0.8 होगा, और अगर कोई गैस जो है वो एयर से हैवी है तो ये नंबर 1.2, 1.3 तक भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डायरेक्टली गैस की कंपोजिशन को बता रहा होता है कि गैस की कंपोजिशन में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली कंपोजिशन ऑफ गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तमाम कैलकुलेशन के लिए। गैस की इनप्लेस निकालने हैं आपने या आपने तमाम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज़ बतानी है गैस की, तो यू नीड अ फैक्टर कॉल्ड गैस डेविएशन फैक्टर, एंड दैट गैस डेविएशन फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द कंपोजिशन। तो कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है गैस की, जिससे आप चीज़ें निकाल रहे होते हैं, रिजर्व्स निकाल रहे हैं, गैस इनप्लेस निकाल रहे हैं। तो गैस की ग्रेविटी बेसिकली कंपोजिशन को बता रही होती है आपको। तो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम गैस की स्पेसिफिकेशन निकालते हैं, और एक हमारे पास एयर मौजूद है और हमारे पास अननोन गैस मौजूद है। तो अगर आप इस इक्विपमेंट की बात करें तो ये जो इक्विपमेंट है ये वर्क करता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमने पढ़ा है बेसिकली, और इस मैनुअल के अंदर आप चेक कर सकते हैं, उसकी थ्योरी मौजूद है, उसकी इक्वेशन मौजूद है। तो बेसिकली ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो प्राइमरी डिफ्यूजन पे काम कर रहा है, और डिफ्यूजन हमने पढ़ा है कि आप जब भी दो मिक्सचर को, दो गैसेस को मिक्स करें और दोनों के अंदर उनकी कंसंट्रेशन आपकी डिफरेंट होगी तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आपके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, तो उस टू वे मिक्सिंग को कहते हैं डिफ्यूजन। ये जो इक्विपमेंट है ये वर्क करता है इफ्यूजन पे, और इफ्यूजन जो है स्पेसिफिक केस है डिफ्यूजन का, यानी इफ्यूजन में आपका वन वे ट्रेवल होता है गैस का, यानी वन वे माइग्रेशन कह लें, मूवमेंट कह लें, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इस अपरेटस के अंदर इस एक्सपेरिमेंट में इफ्यूजन हो रही है आपकी, और इफ्यूजन को आप मेजर कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है इफ्यूजन हो रही है और ये ऑरिफिस है, आप देखेंगे कि इस ऑरिफिस के जरिए मैं फ्यूजन करवाते हैं। तो आपको पहले एक गैस को इस सिस्टम में इंजेक्ट करना है, और ये दो इंजेक्शन पोर्ट हैं। तो दो इंजेक्शन पोर्ट हैं, एक पोर्ट के ज़रिए आपकी एयर इंजेक्ट हो रही है और दूसरे पोर्ट के ज़रिए आपकी अननोन गैस आपने इंजेक्ट करनी है। वन एट अ टाइम काम करना है आपने, यानी एक वक्त में दोनों गैस को नहीं डालना आपने, एक वक्त में आपने एयर पे काम करना है और एक वक्त में आपने काम करना है अननोन गैस पे। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्म है ओरिजिनली तो डेंसिटीज पर है, मगर उसको कन्वर्ट कर दिया गया है टाइम के अंदर। तो अगर आप मैनुअल के अंदर डेरिवेशन गिवन है आप देखें उसको, तो आप देखेंगे कि ग्राम्स लॉ का ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला आपने जब कन्वर्ट किया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी गैस इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम ऑफ अननोन गैस एंड टाइम ऑफ एयर। तो आपने क्या करना है, एक मखसूस वॉल्यूम के अंदर, मखसूस वॉल्यूम क्या मैं बताता हूँ आपको, उस मखसूस वॉल्यूम के अंदर पहले आपने एयर इंजेक्ट करवानी है, फिर एयर को उस मखसूस वॉल्यूम से इफ्यूज़ करवाना है, और जब एयर इफ्यूज़ हो रही होगी उसका आपने इफ्यूजन टाइम मेजर कर लेना है। यही काम आपने अननोन गैस के लिए करना है कि आपने पहले उसको इंजेक्ट करवाना है एक मखसूस वॉल्यूम के अंदर, जब उस मखसूस वॉल्यूम के अंदर आपकी अननोन गैस भर जाएगी फिर उसका आपने इफ्यूजन टाइम यानी इफ्यूज़ करवाना है, और इफ्यूजन टाइम आपने मेजर करना है। वंस यू गॉट दी बोथ टाइम्स ऑफ इफ्यूजन, एक एयर के लिए और एक अननोन गैस के लिए, बाद में आप दोनों को डिवाइड कर दें और बेसिकली क्या कर लें, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर कर लें। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत आसान है, इसका प्रोसीजर आसान है, इसके अंदर खाली मेजरमेंट आपने टाइम की करनी है, और टाइम जो है बेसिकली आपने इफ्यूज़ करवाते वक्त करना है। तो आप देखें तीन वॉल्व हैं सिस्टम के अंदर, आप देखें दो आपके बेसिकली एक आउटर सिलेंडर है और एक इनर आपका ग्लास का फ्लास्क है जो कि बॉटम से ओपन है।
तो आपने फॉर एग्जांपल पहले एयर इंजेक्ट करनी है, एयर जाएगी, एयर जो जाएगी जो आपका इनर फ्लास्क है उसके अंदर जाएगी, और पानी का लेवल, इसके अंदर हमने डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, तो पानी का लेवल जो होगा इनर वाले सेंटर के अंदर वो पुश होगा बैक या डिस्प्लेस होगा बॉटम पे। तो दो मार्क इनर सिलेंडर में, एक आपको दिख रहा है टॉप मार्क और एक दिख रहा है बॉटम मार्क। आपने एयर को इंजेक्ट करवाना है और एयर को इतना इंजेक्ट करवाना है कि पानी का लेवल टॉप मार्क से बॉटम मार्क आपका चला जाए। जैसे ही आपका पानी का लेवल बॉटम मार्क पे पहुंच जाएगा आपने एयर इंजेक्ट करवाना बंद कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा टाइम देना है और टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम आने देना है बिटवीन एयर एंड वाटर। उसके बाद आपने एयर को इफ्यूज़ करवाना है। इफ्यूज़ करवाने के लिए ये बेसिकली आपका आउटफ्लो का वॉल्व है, तो आप इसको खोलेंगे उस वक्त तो पानी का लेवल दोबारा बढ़ेगा और एयर क्या होगी आपकी इफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि वन वे डिफ्यूजन हो रही है, खाली एयर ही आपकी हाई प्रेशर सिस्टम से बाहर एटमॉस्फेयर पे आ रही है, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये बेसिकली डिफ्यूजन है। तो यहाँ से एयर उपड़ना शुरू होगी मतलब, और आपका वाटर लेवल भी राइज करना शुरू होगा, और जब वाटर लेवल आपका टॉप मार्क तक आ जाएगा तो आपने टाइम को मतलब बेसिकली मेजर करना है कि पानी का लेवल बॉटम से टॉप तक कितनी देर में पहुँचा, और यही पानी का लेवल जो है बेसिकली बता रहा है कि इतनी एयर यहाँ से डिस्प्लेस हुई, इफ्यूज़ हुई। तो जब आपका पानी का लेवल दोबारा ऊपर आ रहा होगा, यानी जब आप एयर को इफ्यूज़ करवा रहे होंगे, टाइम आपने उस वक्त मेजर करना है। जब एक दफ़ा आपने एयर के लिए काम कर लिया, यही काम आप कर लेंगे अननोन गैस के लिए। अननोन गैस का ये पोर्ट है, यहाँ इसका वॉल्व ओपन करेंगे आप, अननोन गैस जाएगी, पानी आपका अगेन डिस्प्लेस्ड होगा टॉप से बॉटम मार्क तक। ये टाइम आपने मेजर नहीं करना, आपने वॉल्व को बंद करने के बाद थोड़ा वेट करना है, टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम आने देना है। उसके बाद आपने फिर खोलना है अपना ऑरिफिस का वॉल्व, जो बेसिकली इफ्यूजन वॉल्व कह लें, और आपकी अननोन गैस इफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब अननोन गैस इफ्यूज हो जाना स्टार्ट होगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप मार्क, आपका वाटर लेवल इंक्रीज होगा, और आपने वो टाइम मेजर कर लेना है जब आपका पानी बॉटम से कहाँ पहुँच जाए, टॉप तक पहुँच जाए। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एयर को इंजेक्ट करवा रहे हैं, तो एयर को इंजेक्ट, अच्छा पता क्या चलता है कि ये वॉल्व क्लोज है या ओपन है, तो आपके पोर्ट के साथ अगर वॉल्व की पोजीशन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये कि ये वॉल्व अभी बंद है, और आपके पोर्ट के साथ जब ये पैरेलल हो जाएगी पोजीशन, इसका मतलब ये वॉल्व आपका ओपन हो जाएगा। तो पहले काम ये करते हैं, एयर इंजेक्ट करते हैं, बाकी दोनों वॉल्व आपने बंद रखने, एयर का वॉल्व आप खोल रहे हैं। जब एयर का वॉल्व खोलेंगे तो आप नोट करेंगे कि वाटर लेवल जो है इनर सिलेंडर में आपका नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है। आपने कुछ नहीं करना है इस टाइम पर, सिर्फ आपने वेट करना है कि पानी का लेवल आपके बॉटम मार्क तक पहुंच जाए। जैसे ही पानी का लेवल आपके बॉटम मार्क पे पहुंच जाएगा आपने ये वॉल्व को बंद कर देना है फौरन। तो हम वेट कर रहे हैं। इस टाइम पे आपने कुछ नोट नहीं करना, यानी कि आपने टाइम जो नोट करना होगा हमने वो टाइम नोट करना है जब वापसी एयर आपकी फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगी सिस्टम के अंदर। तो आप देख सकते हैं पानी का लेवल नीचे जा रहा है, और नीचे जाते जाते अल्टीमेटली वो बॉटम मार्क तक पहुंचने वाला है। तो आपने बेसिकली जैसे ही पानी का लेवल बॉटम मार्क तक जाएगा आपने इस वॉल्व को बंद कर देना है। तो वॉल्व को आपने बंद कर दिया, यानी कि इस जगह पर इनर सिलेंडर के अंदर अब आपकी एयर मौजूद है। अब आपने बेसिकली करना थोड़ा वेट करना है और टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम में आपने आने देना है। तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद फिर आपने ये वॉल्व को, जो कि बीच वाला वॉल्व है, जो कि आउटफ्लो के लिए है, जो भी इसके अंदर सिस्टम में मौजूद है उस गैस को बाहर निकालने के लिए, तो इसको आपने खोलना है। और खोलने के से पहले आपने स्टॉप वॉच को तैयार करना है, क्योंकि असल में आपने वो टाइम मेजर करना है कि जब आपका पानी का लेवल बॉटम से टॉप पर चला जाए, और ये इक्विवेलेंट है कि एयर आपकी फ्यूज़ हो गई। बहुत केयरफुली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉप वॉच का बटन दबा दिया और स्टॉप वॉच करने के साथ ही मैंने वॉल्व को पूरा खोल दिया, तो आप देख सकते हैं पानी का लेवल दोबारा इंक्रीज़ हो रहा है, और पानी का लेवल इंक्रीज़ होते होते ये टॉप मार्क है यहाँ तक आएगा। तो हमने वेट करना है। इंजेक्शन प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बेसिकली जो प्रेशर एयर का इंजेक्शन प्रेशर रखना है वही हमने अननोन एयर के लिए करना है। तो इंजेक्शन प्रेशर जो एक गैस का हो वही दूसरे गैस के लिए हो, और जो ऑरिफिस की कंडीशन एक गैस के लिए है वही दूसरी गैस के लिए हो, तो इस रीडिंग में आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो कोई कह सकता है कि मैं अगर एयर 20 PSI पे इंजेक्ट करता हूँ, कोई कहता है 30 पे करता हूँ, कोई कहता है मैं 10 पे करता हूँ। तो जिस प्रेशर के साथ आप एयर इंजेक्ट कर रहे हैं उसी प्रेशर के साथ आपने अननोन गैस को भी इंजेक्ट करना है, और जो ऑरिफिस की कंडीशन आपने एयर के लिए रखनी है वही आपने रखनी है अननोन गैस के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी दोनों वॉल्व जो है इंजेक्शन के बंद हैं, एक ईयर का और एक आपके अननोन गैस का, और ये वॉल्व आपका ओपन है। और आप अभी फिलहाल हम पानी का लेवल दोबारा राइज हो रहा है और ये बता रहा है कि यहाँ से आपकी एयर इफ्यूज़ हो रही है जो कि इस ऑरिफिस से बाहर निकल रही है। तो जैसे ही पानी का लेवल आपके टॉप मार्क तक पहुँचेगा आपने स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। तो ये टाइम आ जाएगा ईयर के लिए कि कितना टाइम लगा आपकी ईयर को इफ्यूज़ होने के लिए इस सिस्टम से। तो पानी का लेवल तकरीबन आने वाला है, तो ऑलमोस्ट ये पहुंच गया है और हमने फौरन ही वॉल्व को अपना बंद करते अपने स्टॉप वॉच रीडिंग ले ली। तो 1:38 अगर आप देख सकते हैं स्टॉप वॉच की रीडिंग को, 1:38 लगे हैं ईयर को इफ्यूज़ होने के लिए सिस्टम के अंदर। तो एक रीडिंग हमारे पास आ गई जो कि तकरीबन 98 सेकेंड की हो गई है। तो 98 सेकेंड का मतलब कि 98 सेकेंड में हमारी ईयर इस सिस्टम से इफ्यूज़ हुई है। अब हमने उसी कंडीशन पे अब हमने अननोन गैस को बेसिकली इसमें एंटर करवाना है। तो ये जो वॉल्व है, ये जो पोर्ट है, ये है अननोन गैस के लिए। हमने इसको ओपन किया, अगेन आप देख सकते हैं वाटर लेवल आपका नीचे जाना शुरू हो गया है और अल्टीमेटली पानी का लेवल आपका बॉटम आपके मार्क तो चला जाएगा। अगेन इस वक्त हमने कोई रीडिंग नहीं लेनी, हमने सिर्फ पानी के लेवल को नीचे आने देना है कि अपने बॉटम मार्क तक पहुंच जाए और हमारी अननोन गैस इसके अंदर सिस्टम में जा रही है। अगेन बेसिकली प्रेशर जो है दोनों आपकी गैसेस का, एयर का और अननोन गैस का, सेम होना चाहिए। तो हमने तकरीबन सेम रखने की कोशिश करी है। तो पानी का लेवल आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो जैसे ही पानी का लेवल बॉटम मार्क तक पहुंचेगा हम जो पोर्ट है, इंजेक्शन पोर्ट है अननोन गैस के लिए, उसको बंद कर देंगे। तो वॉल्व की पोजीशन देख सकते हैं पैरेलल है, तो ये बेसिकली ओपन है, और जैसे इसको परपेंडिकुलर कर दूंगा पोर्ट से तो ये फौरन बंद हो जाएगा। तो आपने केयरफुल रहना है। जैसे ही पानी का लेवल आपके बॉटम मार्क तक आया मैंने इसको बंद कर दिया। तो अब सिस्टम में ना कुछ जा रहा है ना सिस्टम से कुछ बाहर निकल रहा है, और हमारे इनर सिलेंडर के अंदर अब हमारी अननोन गैस फिल हो गई है। थोड़ी देर मैंने वेट करना है ताकि क्यूबिकम अचीव हो जाए बिटवीन योर अननोन गैस एंड योर वाटर। इफ्यूजन जो होती है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होती है, तो जैसे पानी का लेवल नीचे से ऊपर आएगा जब हम इस वॉल्व को खोलेंगे तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई प्रेशर डिक्रीज नहीं होता। ये आप ध्यान में रखिएगा कि ऑन द वे अप व्हेन वाटर इज मूविंग फ्रॉम बॉटम मार्क टू टॉप मार्क, अननोन गैस बाहर निकल रही है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज नहीं हो रहा। तो हमने बेसिकली फिर वही काम करना है, स्टॉप वॉच को रेडी रखना है, और जैसे ही मैंने वॉल्व खोलूँगा ऑरिफिस का, बाकी दो वॉल्व बंद हैं, मैंने फॉर एग्जांपल स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। तो मैंने स्टॉप वॉच खोल दी और वॉल्व भी खोल दिया। आप देख सकते हैं वाटर लेवल राइज हो रहा है और इस कंडीशन पे आपकी जो अननोन गैस है वो बेसिकली इफ्यूज़ हो रही है आपके थ्रू इस ऑरिफिस। मैंने ऑरिफिस की कंडीशन दोनों के लिए सेम रखी है, तो इससे आपकी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आसानी रहेगी। क्योंकि दोनों गैसेस अलग होंगी तो टाइम ऑफ इफ्यूजन दोनों का अलग होना चाहिए। तो एयर हमें पता है मेजॉरिटी नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन भी शामिल है। अननोन गैस हमारे पास शायद नाइट्रोजन ही है, तो 100% नाइट्रोजन है और वो 78% नाइट्रोजन। तो रीडिंग में फ़र्क आएगा थोड़ा बहुत, मगर इतना फ़र्क नहीं आएगा। टाइम ऑफ इफ्यूजन आप देख रहे हैं कि अननोन गैस का है कुछ, और अब ये टॉप मार्क तक पहुंचने वाली है।
असल चीज़ जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इंजेक्शन प्रेशर सेम हो, ऑरिफिस कंडीशन सेम हो। एक दफ़ा एयर डाली आपने, उसके बाद एयर को इफ्यूज़ करवाया, एक दफ़ा अननोन गैस डाली उसको इफ्यूज़ करवाया, और टाइम ऑफ इफ्यूजन फॉर बोथ गैसेस आपने मेजर कर लिया। दो मास्क गिवन है, उस दो मास्क के दरमियान आपने वॉल्यूम मेजर करना है, कितना वाटर राइज कर रहा है, और जितना वाटर राइज कर रहा है उतनी ही वो गैस उस जगह से आपकी इफ्यूज़ हो रही है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, और इसको हम डिस्कस कर लेंगे कांस्टेंट प्रेशर से मतलब क्या है। अगर कांस्टेंट प्रेशर ना होता तो उसका मतलब क्या होता। तो वाटर लेवल हमारा राइज होते होते ऑलमोस्ट टॉप मार्क तक आने वाला है। जैसे टॉप मार्क तक आएगा मैंने स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। तो मैंने बंद कर दी स्टॉप वॉच, और आप देख सकते हैं कि 2 मिनट 1 सेकेंड यानी कि 121 सेकेंड लगे हैं इसको अननोन गैस को इफ्यूज़ होने के लिए। तो आपके पास टाइम आ गया। एक दफ़ा हमने ईयर से किया जो कि तकरीबन 1 मिनट 33 सेकेंड था, ये 2 मिनट 1 सेकेंड हो गया। अब आप फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, उसमें रख के आप स्पेसिफिसिटी निकाल सकते हैं। थैंक यू।